हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस योर रिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का रिवीजन आज स्टार्ट करते हैं और सिर्फ वही चीज़ें रिवीजन में लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके सिर्फ उतना सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। ओके सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर ए पूछेंगे। जैसे 4.6 का 100 से मल्टीप्लाई कराना है, सो मैंने बताया था पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी 46 का 100 से मल्टीप्लाई कराना है, सो 46 का 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4600 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें 4600। ओके अब पॉइंट काउंट करेंगे बैक साइड से कितने डिजिट हैं, तो बैक साइड से वन डिजिट पहले पॉइंट है, तो बैक साइड से वन डिजिट पहले आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 460। ओके क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 0.36 × 10। ओके सो 0.36 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो अभी 36 है हमारे लिए, 36 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 360। अब पॉइंट काउंट करेंगे बैक से टू डिजिट, तो बैक से टू डिजिट यहाँ भी काउंट करेंगे 1, 2 आंसर में और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 3.60। और इसे अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कभी ऐसे लिखा है तो अपना पॉइंट जीरो कैंसिल आउट कर देना, ठीक है, लास्ट में होना चाहिए जीरो। अगर डिजिट से पहले जीरो है तो वो ऐसा ही नोट होगा, उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर लास्ट में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके सो 110 और 1000 वाले डिस्कस हो चुके हैं, अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ऊपर वाले सॉल्व किए वैसे ही सेम है नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके सो नॉर्मली 753 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अभी पॉइंट हमें माइंड में मेरे नहीं है, ठीक है। तो 8 3 = 24, 2 कैरी, 8 5 = 40 and 2 = 42, 4 कैरी, 8 7 = 56 एंड 460। ओके सो वन डिजिट पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट पुट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 602.4। ओके क्वेश्चन नंबर सी जो है वो 3.3 डिजिट्स का है, 0.2 × 1.3 × 2.3। सर इसमें तो सभी में अलग अलग पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी पॉइंट हमारे पास कोई नहीं है, अभी सिर्फ नॉर्मली हमारी डिजिट क्या है 2, 13 और 23। ओके 2, 13 और 23 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, इसका तो मल्टीप्लिकेशन 26 होगा, 26 का 23 के साथ और मल्टीप्लाई करा लें। ओके तो या ऐसा करते हैं फर्स्ट टू टर्म्स का पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, सो आएगा 26। अब ओवरऑल पॉइंट काउंट करते हैं कि कितने डिजिट में है, तो फर्स्ट डिजिट में और फर्स्ट के पहले सेकंड डिजिट में, तो फर्स्ट इधर टोटल कितने डिजिट्स हो गई 2, तो बैक साइड से 2 डिजिट पहले यहाँ पॉइंट पुट होगा 1, 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट पहले। ओके अब 26 का 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो 3 6 = 18, 1 3 2 = 6 = 17, इंटू 6 2 = 12, 1 2 2 = 4 = 5। ओके 8 9 5 598। ओके 598, तो वन डिजिट यहाँ और टू डिजिट यहाँ, टोटल ओवरऑल 3 डिजिट्स, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0। ओके आंसर, सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ओके क्वेश्चन नंबर डी भी अच्छा है, जैसे 4 9 3 5 6 × 11 = 5 4 2 9 1 6 इसका आंसर है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ 4 9 3 4 9 पॉइंट, ये वैल्यू दी गई है एंड 4 9 3 5 6 × 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी पॉइंट भूल जाते हैं, तो 4 9 3 5 6 × 11 है और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या दिया है 5 4
2916। अब ओवरऑल डेसिमल काउंट कर लेंगे कितने डिजिट बिफोर है, तो 1 2 3, तो बैक से 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 542.916। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी। और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, वो आपको सिर्फ बता देता हूँ कौन कौन से करनी है। क्वेश्चन नंबर 4th करना है और क्वेश्चन नंबर आई करना, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है आपका, ठीक है। ये फर्स्ट वाला डिवाइड का क्वेश्चन है, सो जैसे एक्सरसाइज 3.2 डिवाइड का क्वेश्चन है। हाँ 3.1 में बाकी सब में बेटा क्रॉस लगा लेना, एफ जी एच जे सब में क्रॉस लगा लेना, सिर्फ आई वाला क्वेश्चन एंड ई का 4th नंबर क्वेश्चन, बाकी सब में क्रॉस लगा लेना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं 3.1 से, ओके सॉरी 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड कराना है 32.9/10, ओके सो 32.9 बाई मतलब डिवाइड 10, ओके अब 10 का डिवाइड कर, जितने भी 0 का 10 100 1000 का डिवाइड करना है उतने डिजिट पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, ओके जितने 10 और 100 में 0 होंगे, ओके सो 10 है तो 1 डिजिट पॉइंट और लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा, तो पॉइंट फाइनल आंसर क्या होगा 3.29। अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में 32.9 डिवाइडेड बाई 100 होता तो आपके 2 डिजिट पॉइंट मूव करता लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 2, मींस फाइनल आंसर क्या होता 0.329। ओके सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को, एंड 32.9 इंटू 1000 कर लेंगे, सो 1000 में 3 zeros हैं तो 3 digit मूव करता, सर यहाँ तो 2 digit हैं तो बेटा 3rd digit की हेल्प किससे लेंगे, 0 से, तो 1 9 ऐसे ही नोट करेंगे, 1 2 and 3 0 की हेल्प लेंगे और फाइनल आंसर क्या होगा 0.30329। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें देखिए 100 वाली प्रॉपर्टी, तो 100,000 मैंने उसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, ठीक है अब बार बार नहीं बताएंगे। 159.7 डिवाइडेड बाई 100 तो कितने 0 है, 2 0, तो 2 0 टू डिजिट मूव कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो फाइनल आंसर होगा 1.597। ओके नीचे 1000 की है और अब नॉर्मली डिवाइड 10,000 का तो हो चुका है, अब आपको 14 का डिवाइड, डी नंबर क्वेश्चन में 14 का डिवाइड आपको करना है 73.657 में। ओके क्वेश्चन नंबर डी, सो 14 5 70 3। अब 6 नोट करने के पहले पॉइंट फंस रहा, तो पॉइंट को इसको इधर से मूव करा के ऊपर क्वेश्चन के पास भेज देंगे। ओके सो 6 नोट होगा, 14 2 28, 8 नोट होगा, 5 फिर नोट कर लेंगे, 8 6 84, 1 नोट कर लेंगे 17 होगा, 14 1 14, रिमाइंडर इज 3। ओके सो क्वेश्चन इज 5.261 एंड रिमाइंडर इज गोज टू 3। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, डिवाइड 4.5 डिवाइडेड बाई 0.5। सर अब डिवाइज़र में भी पॉइंट है तो बेटा हम कहेंगे डिवाइज़र के पॉइंट को हटाना होगा, ठीक है बिना हटाए डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो 1 डिजिट राइट हैंड साइड ही से हटेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएंगे तो पॉइंट कभी हटेगा ही नहीं। इसको अगर हम 5.0 में कन्वर्ट कर दें तो ये इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब इसको इधर मूव कराएंगे तो राइट हैंड साइड जितने डिजिट डिवाइज़र का मूव कराएंगे उतने डिजिट डिविडेंड का भी मूव करेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 45.0 डिवाइडेड बाई 5.0, राइट हैंड साइड 1 डिजिट मैंने मूव करा दिए हैं, ठीक है सो फाइनल आंसर होगा आपका 45 डिवाइडेड बाई 5,
45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर 5 9 45। ओके सो आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर होगी। और अब नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप के हैं। ओके तो सॉल्व करिए और आंसर फाइंड करिए। और ये बेटा बेस्ड ऑन आपका जो है आइडेंटिटी बेस पर है, मेजरमेंट पर बेस है। ओके एक्सरसाइज 3.3 या इसका वीडियो अभी थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा शाम तक। ओके सो बाय, टेक केयर।